प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में अपनी पहली चुनावी जनसभा को संबोधित किया। एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने जा रही है जो जम्मू कश्मीर टेरर फ्री होगा। राज्य के डोडा में आयोजित इस सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर हमला किया। इस दौरान पीएम ने अमेरिका में इंडिया टुडे के पत्रकार के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर मारपीट का मामला भी उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि वे मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करते हैं, लेकिन हमारे देश के एक पत्रकार के साथ अमेरिका में कांग्रेस द्वारा क्रूरता की गई। भारत के एक बेटे का अमेरिका में अपमान किया गया। उन्होंने पूरी घटना बताई है। जो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के चैंपियन होने का दावा करते हैं, उन्होंने क्रूरता की। प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने आज अखबारों में पढ़ा, लोकतंत्र में एक अहम पिलर होता है हमारा स्वतंत्र मीडिया। आज एक खबर पढ़ी, अमेरिका गए भारत के एक अखबार के प्रतिनिधि के साथ, वहां जिस प्रकार का जुल्म किया गया, उसने अपनी पूरी कहानी पब्लिक के सामने रख दी। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र में संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय हैं? क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है,